कथा सुनी है। हमारे प्रभु जी जो भागवत कथा को उन्होंने जो दान दिया है इसकी बड़ी महत्व है, हैं? और देवक दीदी कहाँ गई? देवक जी वसुदेव तो आ गए, देवक आई नहीं। राधाय मैं हरि गोविंद बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधाय मैं हरि गोविंद जय जय राधाय मैं हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि कौर प्रेमानंद जो दिया था लिस्ट किधर है? कथा की है और भागवत कथा श्रवण की है। सुना भागवत कथा की कितने महत्व है। एक दिन कृष्ण के बच्चे लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते हठात देखा एक कुएं के अंदर में एक बहुत बड़ा गिरगिट फंसा हुआ, वो टस से मस भी नहीं हो पा रहा था, श्वास भी नहीं ले पा रहा था। इसको देख करके बच्चों ने कोशिश की उसको निकालने के लिए, लेकिन किसी तरह से निकाल नहीं पाए। इतने में भागते भागते अपना पिताजी कृष्ण के पास में गई, बोले पिताजी पिताजी जल्दी जल्दी आओ। बोले क्या है? बोले देखो ये कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ और बड़ा कष्ट उठा रहा है, वो निकल भी नहीं पा रहा है। कृष्ण तो सब जानते हैं, भगवान कृष्ण आए, आकर के अपना चरणों को बढ़ाया और उनका चरण स्पर्श होते ही वो जो गिरगिट था ना बड़ा सुंदर एक देवता मूर्ति धारण की। कृष्ण तो सब जानते हैं लेकिन बच्चों को शिक्षा देने के लिए बोले बोले आप कौन हो, अब ये गिरगिट बनकर क्यों पड़े हुए थे? बोले प्रभु आप तो सब जानते हो, दुनिया का मालिक आप हो, मेरे को पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने सुने होंगे सत्य युग में एक नृग नाम का एक राजा थे, सुने कि नहीं? कृष्ण के बच्चे बोले हमने सुनी है, ये तो पृथ्वी में बहुत बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे कहते पृथ्वी की धूल कणा को कोई गिन सकता है, बारिश को बूंद को कोई गिन सकता है, लेकिन इनकी दान को कोई नहीं गिन सकते हैं। क्या दान किया उन्होंने? बोले गैया, जो गैया एक बच्चा जन्म दिया हुआ है उसकी खुर को चांदी में मढ़वा करके और सींग को सोने में मढ़वा करके उन्होंने ब्राह्मण को दान दिए। बोले इतने दान दिए फिर इनको ये गिरगिट क्यों बनना पड़ा, गिरगिट क्यों बनना पड़ा? क्या उन्होंने ऐसे गैया जान देते थे जो बांझ थी? बोले नहीं। बोले बिना दूध के जो गैया? बोले नहीं है, लेकिन जो गैया खराब हो जाए उसको? बोले नहीं, बढ़िया से दान देते थे। बोले इतने दान देते थे फिर उनको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? तो उसका रहस्य बताए। बोले ये संकल्प करके, जैसे ब्राह्मण को दान देते हैं ना, संकल्प करके दान देना पड़ता है। तो उनने संकल्प करके दान दिया, जब दान दिया उन्होंने क्या हुआ, जिस गैया को उन्होंने दान दिया था वो गैया भागते हुए आया और जो दूसरे जो गैया थी ना उसके अंदर में मिल गया, लेकिन राजा को पता ही नहीं चला। तो उन्होंने अनजान में फिर उन्होंने संकल्प करके उसी गैया को और किसी ब्राह्मण को दे दिया। जब ब्राह्मण अभी ये ब्राह्मण गैया लेकर के जा रहा था और जिसको गैया पहले दिया था वो गैया को ढूंढते ढूंढते आ रहा था, अभी रास्ता में दोनों मिले तो
जिसको पहले गैया दिया था उसने बोले ये गैया राजा मेरे को कल दिया था, बोले तेरे को दिया था लेकिन राजा अभी मेरे को संकल्प करके अभी अभी दिया, बोले मेरे को कल दिया था, बोले राजा अभी मेरे को दिया, और तेरे मेरे करते करते लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते राजा के पास में आई, राजा तो डर गए, क्योंकि नियम है जब एक बार किसी गैया को अपने संकल्प करके दान दे दिया फिर दो बार फिर वो गैया दान नहीं देनी चाहिए। अभी उनको समझ गए मेरी गलती हो गई, उनने चरण पकड़ लिए, बोले ब्राह्मण देवता मेरे को माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, एक काम करो ये गैया को एक व्यक्ति ले ले, उसका विनिमय में मैं 10 गैया दे रहा हूँ। लेकिन वो तो लड़ते लड़ते अपना इसमें आ गए, हैं लड़ते लड़ते वो एकदम अकड़ में आ गए थे, बोले नहीं गैया तो हम यही चाहिए, 10 गैया नहीं चाहिए। बोले एक काम करो मैं 100 गैया दे देता हूँ, आप एक गैया को छोड़ दो, एक एक ले ले। बोले नहीं हमें 100 गैया नहीं चाहिए, यही गैया चाहिए। बोले 1000 गैया देता हूँ, बोले नहीं, बोले लाख, बोले नहीं, बोले करोड़। राजी नहीं हुए, बोले नहीं गैया तो हमें यही चाहिए। तुम कैसे एक बार दान दे करके दोबारा कैसे दान दे दिया? बोले ओ गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, तेरे को गिरगिट जन्म लेना पड़ेगा। अभी दोनों गैया उस गैया को छोड़ करके चले गए। जब चले गए, जब राजा की मृत्यु हुई, जमदूत लेकर गए जब महाराज के पास में, बोले इसकी कापी खोलो, कितने पुण्य और कितने पाप किया है। बोले महाराज इनके पुण्य की तो कोई सीमा नहीं, इनकी तो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन बीच में एक गड़बड़ी हो गई, जो गैया को उनने संकल्प करके दिया था पुनः उसी गैया को उन्होंने किसी ब्राह्मण को दे दिए, दोनों में लड़ाई हुई, अंतिम में अभिशाप दिए, तेरे को गिरगिट बनना पड़ेगा, ये अभिशाप इनको दिए है, इसलिए थोड़ी सी इनकी पाप भी है। तब इनको पूछे बताओ पहले पाप लोगे ना पहले पुण्य लोगे? बोले जब पाप थोड़ी सी पाप ही दे दो बाद में तो पुण्य भोग करूँगा। फिर तो उनको गिरगिट बनना पड़ा। ये कब की कथा है? ये सत्यजुग की कथा है। लेकिन कृष्ण कब आए? द्वापर का अंतिम में हैं, मतलब लाख साल तक हैं, कितने 12, 13, 14, 15 लाख साल तक उनको ये गिरगिट बनना पड़ा, इतने कष्ट उन्होंने उठाया हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न होता है, फिर उन्होंने फिर ये कृष्ण दर्शन तो बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, कथा सुनो उसके बाद में कर लेना, बैठ जाओ। हाँ जितना होए उसमें कर दो, ज्यादा सामान बुलाने का जरूरत नहीं, ये जति गति काट देकर कर दे। अब लोग उनने जो लिखा था आपने लाए नहीं कुछ चीज को, जो कि अंतिम समय में ठाकुर जी को दर्शन मिला, फिर भगवान का चरण स्पर्श भी उनको मिला, उन्होंने ऐसे किया कर्म किया था। तो इनकी स्वभाव में था दान करना, जब ये दान कर रहे थे दान दे रहे थे, एक समय कोई एक शुद्ध संत भी आए घर में, तब उन्होंने वो संतों को भी उन्होंने भोजन करवाया, और भोजन करके बोले आपको कुछ चीज की जरूरत है? बोले एक भागवत ग्रंथ हमें दे सकते हो, हम भागवत ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, पहले ताल पत्ते के ऊपर में हैं, ताल पत्ते के ऊपर में लिखवा करके उन्होंने एक भागवत ग्रंथ उन्होंने दान दिया। जब एक भागवत ग्रंथ दान दिया वो संत क्या करते थे, वो ग्रंथ को पढ़ते थे। जब उन्होंने एक दिन एक संत की सेवा की और इनको भागवत ग्रंथ उन्होंने दान दिया, इसका फल क्या हुआ? कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन इनको हुई, भगवत चरण स्पर्श हुई। लेकिन उन्होंने जो इतने दान किया था उसका फल क्या हुआ? पर गिरगिट बनना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो भागवत जो दान करते हैं ना, इससे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं, इतने महिमा ये भागवत दान करने का। लेकिन उन्होंने जो ब्राह्मण को दान दिया था, फिर इसको
गिरगिट क्यों बनना पड़ा। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो जो दान है ना, कहते जान बुझ करके दान देनी चाहिए। हाँ, इनकी जो अज्ञान में कुछ दोष हो गया, जिसको दान दिया था कर दिया, लेकिन ये ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण होने का नाते इनकी दर्द को उन्होंने नहीं बुझा, वो अपना बात पर अड़ गए, बोले नहीं हमें यही गैया चाहिए। अगर उनके हृदय में दया की भावना होती तो भैया गलती से सब कुछ भी तो हो सकता है ना, उन्हें गलती से हो गई, जानबूझकर तो उन्होंने ये पाप कर्म किया ही नहीं। अगर कोई संत होते हैं ना, फिर तो वो कभी इनके अपराध को नहीं लेते, भैया गलती हो गई, गलती सबका होता रहता है, अनजान में गलती हो गई, फिर ये माफ कर देते। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दिया, भैया जब दान दो ना, ऐसे पात्र में दान देनी चाहिए, जो बढ़िया पात्र में दान दो, ऐसे नहीं जो झगड़ा करने वाले, अपना बात पर अड़ जाने वाले, ऐसे व्यक्ति को दान मत जो, फिर क्या होगा, फिर तुमको एक से दूसरा, तुमको एक से दूसरे चीज हो जाएगी। इसलिए बोले तीन चीज है, अच्छे तरह समझो, तीन चीज है, एक होता है पाप, एक होता है पुण्य, एक होता है सुकृति। कहते पाप किसको कहते हैं, कहते वेद विरुद्ध धर्म को इसको पाप कहते हैं। हाँ, वेद में जो बताया गया उसका विरुद्ध कर्म को इसको पाप कहते हैं। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को सताना, दूसरों को परेशान करना, चोरी झूठ बोलना, ये सब पाप चीजें है। कहते पुण्य किसको कहते हैं, जैसे दूसरों को मदद करो, दूसरों को दान धर्म दो है, इसलिए गरीब भूखे को खाना खिलाओ, स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, हॉस्पिटल, इसको कहते हैं पुण्य। लेकिन ये जो दो चीज है ना, नष्ट हो जाता है। जैसे आपने पुण्य की, जैसे बैंक में तुम्हारी पैसा है, लेकिन ये कब तक खाओगे, बोले जब तक बैंक में, खत्म हो गया खत्म हो गया। कहते ये पुण्य कब तक भोग करोगे, पुण्य करोगे तो इसी जगत में धन दौलत पुत्र परिवार मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन पुण्य खत्म होते ही फिर यहीं पर आना पड़ेगा। बोले पाप, पाप कर्म करोगे फिर नर्क भोग करोगे, नहीं तो दुख कष्ट भोग करोगे, वो जो खत्म हो गया फिर खत्म हो गई। लेकिन इससे और एक चीज जिसको कहते हैं भक्ति, जिसको कहते हैं सुकृति। कहते ये सुकृति क्या चीज होती है, बोले सुकृति होता है जैसे ये भागवत कथा करवाए, कितने लोग कथा सुने, उनका सुकृति विकृति बनी है। जैसे ठाकुर को सेवा करते हो, ठाकुर को भोग लगाते हो, ठाकुर जी का नाम करते हो, हैं, किसी शुद्ध वैष्णव को, साधु को कुछ आपने दान दिया, इसको कहते हैं सुकृति। बोले इसका क्या फल है, बोले इसका जो फल है ना, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये केवल डिपॉजिट तुम्हारी होती रहेगी, केवल डिपॉजिट तुम्हारी होएगी। बोले इसका फल क्या, बोले इसका फल है भगवत इच्छा से ये किसी संतों का दर्शन कराएगा, ये सुकृति का फल है। जैसे आप लोग आज भक्तों को गुरु जी से मिले, संतों से मिले, किसकी पुण्य फल से, बोले ये सुकृति की पुण्य फल से। आपने कहीं साधु संत की सेवा की होगी, धाम गए होंगे, तुलसी परिक्रमा किए होंगे, कहीं भागवत कथा सुने होंगे, ये आत्म संबंधी ये सुकृति। पाप और जो पुण्य, ये शरीर संबंधी है, जैसे शरीर खत्म हो जाती है, ये पाप पुण्य भी दोनों खत्म हो जाती है। लेकिन ये भक्ति कभी खत्म नहीं होगी, कभी ये भक्ति खत्म नहीं, केवल तुम्हारी बैंक बैलेंस से, केवल डिपॉजिट तुम्हारी होती है, और जब ये बड़ा फिर भगवत इच्छा से उसको संतों का दर्शन होता है, संत दर्शन सुकृति का फल है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। मतलब है ये ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को गुरु कृष्ण की दर्शन किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को होता है, और गुरु कृष्ण की जब दर्शन होता है फिर उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जाना कहाँ है, हैं, ये सब आत्म तत्व ज्ञान होता है। आत्म तत्व ज्ञान होने पर क्या करता है, फिर वो व्यक्ति भगवान की भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, फिर भक्ति करते 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 क्या होता है, भगवान के धाम को कहाँ जाएंगे, ठाकुर जी को गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। लेकिन जब प्रभु का धाम में जाओगे, कृष्ण कहते उसका क्या फल है, बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। हे अर्जुन,
जब मेरे कोई नाम करके भक्ति करके मेरे पास में आते हैं, फिर वहां से कभी फिर ये संसार में आना नहीं पड़ता है। दुख कष्ट जन्म मृत्यु चिरकाल के लिए तुम्हारी खत्म। फिर ये संसार चक्र में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका भक्ति का फल ये है। लेकिन पुण्य का फल क्या है? स्कूल कॉलेज खोला, कभी कभी ये पुण्य का फल से कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। ये कभी कभी गड़बड़ी भी होती है पुण्य फल में, हैं? जैसे निर्ग महाराज ने पुण्य की, लेकिन उन्होंने दे दिया किसी ब्राह्मण को झगड़ा करने वाले, और फल क्या हुआ? लास्ट में उसकी दुर्गति भोगना पड़ा। लेकिन जो भक्ति ऐसे की चीज है ना, ये भक्ति में कभी दुर्गति नहीं होती। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, इसमें कभी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि जो भगवान है ये भाव ग्राही जनार्दन। ठाकुर जी प्रेम की भूखे हैं, जो कुत्ते को वहां से भगा वहां से। इसलिए कहते जो भगवान है ये प्रेम की भूखे सी भगवान है, भगवान और किसी चीज की भूखे नहीं है। इसलिए कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। हैं, दुर्योधन ने 56 भोग 36 व्यंजन बनाए था, लेकिन ठाकुर जी स्वीकार नहीं किए। लेकिन विदुर जी के घर में जाकर केले का छिलका, ठाकुर जी केले का छिलके खाए। इसलिए कहते जो भगवान है ये भक्ति की वसीभूत ठाकुर जी है। इसमें भगवान कभी जैसे तुम्हारी बच्चा है, अगर तुम्हारी गोद में टाटी पेशाब कर दे, मैया फेंक देती है, उसको साफ सुथरा कर देती है ना, साफ कर देती। इसलिए हम भगवान के बच्चे होने का नाते अगर हमसे कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाए, ठाकुर जी ये गलती को ठाकुर जी नहीं लेते, क्यों? वो हमारी पिता माता है, वो हमारी पिता माता है ठाकुर जी हैं। इसलिए भक्ति में कभी जीव का पतन कभी नहीं होती है, भक्ति में जीव बढ़ती रहती है। लेकिन जो कर्मकांडी में अगर थोड़ी सी इधर उधर, जैसे किसी देवा देवी को पूजा कर रहे हो, अगर तुम्हारी मंत्र में थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना मंत्र में, फिर तो लेने का देने पड़ जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति कर रहे हो, अगर थोड़ी बहुत तुम्हारी गड़बड़ी हो गई, कोई तुम्हारी पाप नहीं लगेगा ठाकुर जी, तुम्हारी कोई पाप को ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि भावग्राही जनार्दन। ठाकुर जी केवल भाव को ही ठाकुर जी ग्रहण करने वाले। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दिया है क्या करनी चाहिए, बोले पाप को भी छोड़ो और ये पुण्य को भी छोड़ो, दो चीज को छोड़ो। इसलिए कहते तृतीय पंथा मुरारे, हमें तीसरी रास्ता को हमें ग्रहण करनी चाहिए। बोले तीसरी रास्ता क्या है? बोले भगवान की भक्ति के मार्ग, भगवान की प्रेम के मार्गों को स्वीकार करो, इसमें कभी जीव की अधपतन कभी नहीं होएगी। बोले आप बोलोगे फिर दान दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, बोले देनी चाहिए, लेकिन कुछ भी दान करो पहले क्या करो, कोई खाना किसको दे रहे हो वैसे खाना मत दिया करो, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ तुलसी दल से, वो हो गया प्रसाद। क्या हो गया? वो प्रसाद। अगर ये प्रसाद किसको खिलाओगे ना, फिर क्या होगा? जो खाएगा उसका भी कल्याण और जो देगा उसका भी कल्याण है। अगर इसको खाना खिलाओगे बगैर प्रसाद के, तुम्हारी भी बंधन है उसका भी बंधन है, दोनों का ही बंधन है, दोनों का ही गड़बड़ी है, हैं? दोनों का ही गड़बड़ी उसमें भी है। इसलिए क्या करो, भगवान की जो कुछ दान करो, ठाकुर को भोग लगा करके ठाकुर जी की प्रसाद किसको दान दो, हैं? इसलिए भक्ति करोगे तो हर समय तुम्हारी पदोन्नति होगी। देखो हम कहते हैं, अच्छे तरह समझो, हम किसी गरीब को खाना खिलाए, नहीं तो गरीब को दान दिया, आपने क्या सोचा? हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुमने बहुत बड़े काम कर दिए। अच्छे तरह से समझो, एक व्यक्ति दुख कष्ट क्यों उठा रहा है, गरीबी क्यों बना? बोले पूर्व जन्म का कर्म का फल से, फल से वो गरीब बना। हमने सोचा उसको हमने दान दिया, दान दिया मतलब क्या, वही सही तो वो दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, उसकी कोई अच्छे कर्म नहीं। लेकिन हमने जब दान दिया, ऐसे तुमने दान दे दिया, तुम कुछ भावना से दान दिया, क्यों? अगर उसको दान दूंगा तो मेरी पुण्य होगी, मतलब क्या हुआ, उसकी जो थोड़ी बहुत पुण्य था ना तुमने खींच लिया। तुम तो सोच रहे तो दान दिए, लेकिन तुमने दान नहीं दिया, बोले क्या किया, उसको जो थोड़ी बहुत पुण्य थी ना, वो थोड़ी बहुत पुण्य को तुमने और भी खींच लिया, और भी ज्यादा गड्ढे में तुमने ढकेल दिया।
लेकिन तुम सोच रहे हो उसको तुमने दान दिया, तुमने दान नहीं दिया उसको, फिर तुमने गिराया। लेकिन जब भगवान की प्रसाद, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद देते हैं, उसमें क्या होता है, वो ठाकुर को भोग लग गया, वो हो गया ठाकुर का प्रसाद। प्रसाद मतलब कृपा। अभी जो देगा उसको भी कल्याण है और जो खाएगा उसका भी कल्याण है, क्योंकि उसकी भक्ति बढ़ेगी, उसकी भक्ति बढ़ेगी। इसको पुण्य नहीं कहते हैं, इसको सुकृति कहते हैं। इसलिए हमें जो कुछ करना है भगवान को साथ में जोड़ करके हम भगवान की भक्ति करनी है, हमें कर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल है बंधन है। इसी जीवन में कर्म करोगे फिर दूसरे जीवन में जाओगे, फिर वहाँ भी दुख कष्ट पाओगे। उसी जीवन में जो कर्म करके फिर तीसरे जीवन में जाओगे, वहाँ भी दुख कष्ट भोग करोगे। लेकिन इस संसार की चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी तुमको, ये संसार में भटकते रहोगे। लेकिन अगर भक्ति करोगे ना, क्या होगा, भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति है, और जो भगवत प्राप्ति होने से जीव फिर ये माया की संसार में उसको आना नहीं पड़ता। इसलिए क्या करना, भगवान की भक्ति करो। ये तृतीय पंथा मुरारे, बोले हमें तीसरे रास्ता को हमें स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। ठीक है।